हेलो स्टूडेंट्स, सो हम लोन अकाउंट को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हम कर चुके हैं एनुअली बुक्स क्लोज, क्वार्टरली बुक्स क्लोज, अब हम करेंगे सेमी एनुअली बुक्स क्लोज। और इसके अंदर विल बी डूइंग इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट एंड एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 28, Q and R were in partnership sharing profit and losses in the ratio 2-3-1. Q retired from the firm. After all the adjustments, his capital account shows a credit balance of 2,20,000 on 1st April 2018. After all adjustments, what does that mean? Opening capital, general reserve, P&L, IFR, WCR, goodwill treatment, existing goodwill, revaluation का profit loss सब डाल दिया और payment बनती है 2,20,000। Q की payment बनती है 2,20,000 as on 1st April 2018. Q is to be paid 60,000 by check immediately. 60,000 चेक से पेमेंट कर दी उसी टाइम, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो बाकी रह गया 1,60,000 बैलेंस। अब ये जो 60,000 हमने पे किया है, इसकी एंट्री बनेगी Q's capital to cash। तो ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा और कैश अकाउंट में, लोन अकाउंट में नहीं जाएगा। कई बुक्स, कई ऑथर्स, कई टीचर्स ये लोन अकाउंट में डाल देते हैं। आई स्ट्रांगली रिकमेंड नॉट टू पोस्ट द इमीडिएट पेमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इन द लोन अकाउंट। डू नॉट, इट्स जस्ट बिकॉज द फर्स्ट पेमेंट इज मेड एंड देन द पार्टनर इज रिटायर्ड। And the balance in 4 equals semi-annual installments. 4 installments. Number of installments? 4. Amount of installment? 1,60,000 divided by 4 is 40,000 each. Semi-annually stands for after 6 months. Saal mein do baar. Along with the interest on the unpaid amount, जो अमाउंट बच गई उस पर 10% ब्याज। अगर ये अनपेड ना भी लिखा हो तब भी चलेगा। हाउ मच इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 10% पर एनम। प्रिपेयर क्यूज लोन अकाउंट टिल ही इज पेड द अमाउंट ड्यू टू हिम। द फर्म क्लोजेज हिज बुक ऑन 31st March एवरी ईयर। 2 साल के लिए अकाउंट बनाना है। 4 इंस्टॉलमेंट है, 1 साल में 2 बार, तो 2 साल के लिए बुक्स बनेंगी। क्यूज लोन अकाउंट डेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट डेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सो जो 60 पे कर दिया उसकी तो एंट्री बन गई क्यूज कैपिटल टू कैश, इग्नोर। अगर डालनी है तो जनरल एंट्री डाल दीजिए, लोन में तो जाएगी नहीं। उन्होंने लोन अकाउंट पूछा उसमें तो गई नहीं। 1st April 2018 बाय क्यूज कैपिटल 160, यस, क्योंकि इसकी जनरल एंट्री बनी होगी क्यूज कैपिटल
220, to cash 60, to Q's loan 120. This would be the entry. तो क्यू लोन क्रेडिट हो रहा है तो क्यू लोन में क्रेडिट साइड डाल देंगे कैपिटल के नाम से 160. अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 30 सितंबर आफ्टर 6 मंथ्स इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे 1,60,000 का 10% फॉर 6 मंथ्स 1,60,000 का 10% फॉर 6 मंथ्स 8,000 पेमेंट कर देंगे टू कैश प्लस इंटरेस्ट है अलोंग विद इंटरेस्ट. इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट नहीं मानना, इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट तभी मानना है जब स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मेंशन होगा इंक्लूडेड इंटरेस्ट, अदरवाइज इट इज एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट लाइक दिस. सो टू कैश कितनी पेमेंट करेंगे 40 + 8 = 48. 40 इज द प्रिंसिपल, 8 इज द इंटरेस्ट. प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज अमाउंट विच इज 48. बुक्स क्लोज नहीं होंगी क्योंकि बुक्स क्लोज होती हैं 31 मार्च. नाउ अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 31 मार्च 19 बाय इंटरेस्ट. किस पर लगेगा इंटरेस्ट? आउटस्टैंडिंग अमाउंट. दिस प्लस दिस माइनस दिस, दिस प्लस दिस माइनस दिस 120. 120 का 10% फॉर 6 मंथ्स 6,000 पे कर देंगे टू कैश. हाउ मच वुड बी द पेमेंट? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 46. बुक्स को क्लोज करेंगे, अब हम बुक्स को क्लोज करेंगे क्योंकि 31 मार्च आ चुका है, बैलेंस शीट बनाने का टाइम आ चुका है. टू बैलेंस कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर, क्रेडिट साइड टोटल डेबिट साइड टोटल दोनों का डिफरेंस. टोटल 1,74,000. नाउ दिस कैरी डाउन वुड बी ब्रॉट डाउन 1 April 19 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000. अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 30 सितंबर by interest 80,000 का 10% for 6 months 4,000 payment कर देंगे to cash, payment करेंगे to cash 40 + 4 = 44. पेमेंट कर देंगे 40 + 4 = 44. बुक्स क्लोज नहीं करेंगे बिकॉज इट्स सितंबर, बुक्स आर क्लोजिंग ऑन मार्च. अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 31 मार्च 20 बाय इंटरेस्ट. इंटरेस्ट लगेगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर, इंटरेस्ट हमेशा बाकी बची हुई अमाउंट पर लगता है. तो दैट वुड बी दिस प्लस दिस माइनस दैट 80 + 4 - 44 40 ही आएगा. 40,000 पर ब्याज लगेगा, 40,000 का 10% 6 महीने के लिए
2000 पेमेंट कर देंगे तो कैश लास्ट इंस्टॉलमेंट है, देखो दिस इज I1, I2, I3, I4, फोर्थ इंस्टॉलमेंट है, लास्ट इंस्टॉलमेंट है. तो व्हाट यू कैन डू इज इधर बैलेंसिंग फिगर, दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस, आई रिपीट, दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दैट, और यू कैन जस्ट सी 40 प्लस 2 42. आई एम यू राइटिंग दिस इन ब्रैकेट, यू नीड नॉट राइट इट, दिस इज फॉर एक्सप्लेनेशन. मैं अपने माइंड की चीज आपके माइंड में डाल रहा हूँ, इसलिए ये ब्रैकेट्स एक्सप्लेन किए हैं, यू नीड नॉट. दैट्स इट, सी द टोटल नाउ 86,000. ये था 4 marker क्वेश्चन. लोन अकाउंट नॉर्मली 4 number में आ सकता है, व्हाट इफ अगर 8 number में आ जाए तो आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा. रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लोन अकाउंट. आई रिपीट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लोन अकाउंट. जैसे कि क्वेश्चन नंबर 29, इस क्वेश्चन से हमारा टॉपिक रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा. क्वेश्चन 29 से, एक्स वाई एंड सी व पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द प्रपोर्शन 3:1. देयर बैलेंस शीट एज एट 31st March वॉज एज फॉलोज. यू मे सी वी हैव अ बैलेंस शीट. इन बैलेंस शीट वी हैव रिजर्व दैट नीड्स क्लोजिंग. द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 12. ये नई गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल होती है तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पड़ी होती. दिस इज न्यू गुडविल. बीइंग अ न्यू गुडविल वी विल एडजस्ट इट. जो पार्टनर जा रहा है उसे पैसे मिलेंगे, बाकी दोनों देंगे गेनिंग रेशियो में. स्टॉक इज एप्रिशिएटेड, रिवैल्यूएशन अकाउंट. प्लांट एंड मोटर कार डेप्रिशिएटेड, रिवैल्यूएशन अकाउंट. लायबिलिटी फॉर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी टू वर्कर, अंडरलाइन ग्रेच्युटी. ग्रेच्युटी का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए हमें वर्कर को पेमेंट करनी है. इज नॉट येट रिकॉर्डेड इन द बुक्स बट नाउ सेम इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर नाउ. अब हमें उसकी पेमेंट के लिए लायबिलिटी, पेमेंट करनी नहीं है, लायबिलिटी क्रिएट करनी है. पेमेंट करेंगे तो फिर कैश में से भी माइनस होगा. रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड, कैश में से माइनस, बट यहाँ पे लिखे लायबिलिटी क्रिएट करनी है. सो रिवैल्यूएशन में डेबिट, कैश में से माइनस नहीं, लायबिलिटी साइड. प्रोविजन ऑन डेटर्स नो मोर रिक्वायर्ड. प्रोविजन की अब जरूरत नहीं है. द अमाउंट पेबल टू एक्स इज टू बी पेड इन 4 equal annual installments बिगनिंग फ्रॉम 31st March 2016 विद द इंटरेस्ट एट 10% पर एनम. 31 मार्च 2015 को रिटायरमेंट हो रही है, आप चेक कीजिए. 31st March 2015 को रिटायरमेंट हो रही है और पेमेंट की जा रही है 31st March 2016, 31st March 2017, 31st March 2018, 31st March 2019, 16, 17, 18, 19. You are required to revaluation account, partners capital account, new balance sheet of Y and Z, X loan account till it is finally paid. It's an 8 marker question. Normally अगर 8 number का question आएगा loan account में तो generally balance sheet नहीं पूछी जाती because question काफ़ी lengthy हो जाता है already. Let's start with revaluation account first. Stock and building is appreciated by 10%. Fayda, credit side. Buy stock 10,000 ka 10%, 1,000. Buy building 16,000 ka 10%, 1,600. स्टॉक एंड बिल्डिंग डन. प्लांट मोटर कार टू बी डेप्रिशिएटेड, कम हो रही है वैल्यू.
to plant 10% of 2400 से प्लांट की वैल्यू कम होगी, मोटर कार भी 10% से कम हो रही है, 600 कम हो रही है, टू मोटर कार 6000 का 10% 600। Liability for the payment for gratuity to workers 4800 not recorded in the books but same is to be provided for now. 2. Outstanding claim for workers. Workman compensation reserve होता तो वहां से use कर लेते 4800. Provision for debtors no more required. Provision की जरूरत नहीं है. 2. New provision 0. 2 न्यू प्रोविजन शून्य माइनस ओल्ड प्रोविजन 1. वी गॉट द नेगेटिव अमाउंट विल पोस्टेड इट देयर बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1000. प्रोविजन की अब जरूरत ही नहीं है, मतलब सारे डेटर्स अच्छे हो गए. इसका मतलब हमने सोचा अब क्रेडिट सेल्स ही नहीं करनी, उधार पे सामान बेचना बंद. अगर उधार पे सामान बेचना बंद तो बैड डेट्स ही नहीं होंगे. उधार पे बेचा ही नहीं तो डेटर्स कैसे, डेटर्स कैसे तो बैड डेट्स कैसे. बैड डेट्स ही नहीं होंगे तो प्रोविजन क्यों चाहिए. और जो पुराने डेटर्स हैं 7000, उन्होंने चेक दे दिया कि अब पैसे आ गए तो अब प्रोविजन की हमें जरूरत ही नहीं है. दिस इज समथिंग लाइक दिस. द बैलेंसिंग फिगर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रॉफिट और लॉस डिवाइडेड अमंग OPOR ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो दैट साइड 78, दैट साइड 36. सो 4200 बाय रिवैल्यूएशन लॉस 4200 डिवाइडेड अमंग एक्स वाई जी 3 to 1 2100 1400 700. Yes. Before proceeding to partner's capital account, what we are going to do is we are passing the goodwill entry. We have goodwill 12,000. X share, X retire हो रहा है 12,000 into 3/6 6,000. X को कौन पैसा देगा, will be paid by Y and Z. Y and Z पैसे देंगे in gaining ratio that is 2:1. सो 12,000 की गुडविल है, एक्स रिटायर हो रहा है, उसका शेयर बना 6,000, उसको पैसे देंगे वाई और जेड 2:1 में और इसको रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में एक्स जेड टू एक्स सॉरी वाई जेड टू एक्स. सो 6,000 एक्स को मिलेगा क्रेडिट, वाई और जेड देंगे 2:1 में, दैट वुड बी 4,000 एंड 2,000. So let's proceed with partner's capital account now. Partner's capital account. Particulars X, Y, Z. X, Y, Z. सबसे पहले बैलेंस शीट से ट्रांसफर करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्रांसफर इट फ्रॉम द बैलेंस शीट. द ओपनिंग कैपिटल्स आर 21,100, 14,000, 12,000. आफ्टर ट्रांसफरिंग
the balances from the balance sheet, opening capitals, we have reserve that needs closing by reserve 6,000 in 3 to 1, 3,000, 2,000, 1,000. Now we'll transfer it from the revaluation account, it's a loss, to revaluation account loss 2,100, 1,400, 700. Now we'll record the goodwill entry YZ2X. 2X Y और Z डेबिट हो रही हैं बाय Y बाय Z X क्रेडिट हो रहा है सो X को क्रेडिट करेंगे 6,000 से Y और Z डेबिट होगा 4,000 एंड 2,000 से बैलेंसिंग फिगर X का ट्रांसफर करेंगे लोन में क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा कितनी पेमेंट करनी है दैट मींस पेमेंट नहीं करनी 2X लोन बैलेंसिंग फिगर X का बैलेंस जाएगा लोन में और Y का बैलेंस जाएगा Z का बैलेंस जाएगा कैरी डाउन में ट्वेंटी वन हंड्रेड प्लस थ्री थाउजेंड प्लस फोर थाउजेंड प्लस टू थाउजेंड थर्टी थाउजेंड वन हंड्रेड माइनस ट्वेंटी वन हंड्रेड अट्ठाईस हज़ार। X का लोन जाएगा 28,000 कि हमने अभी 28 देने थे कैश में अगर आप ध्यान दो मेरे पास 1,100 हैं अब किसी को 28,000 देने हैं कैश में 1,100 हैं क्या करें बैंक से लोन ले क्या ज़रूरत पड़ी है बाद में दे देंगे इंस्टॉलमेंट्स में ब्याज के साथ बैंक को भी तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा इससे अच्छा पार्टनर को ही दे देते हैं Y का बैलेंस 16,000 माइनस 5,400 10,600 Z का बैलेंस 13,000 माइनस 2,700 10,300 Let's proceed with the balance sheet now. Balance sheet after X retirement या after reconstitution. Liabilities amount assets amount While preparing liabilities, capitals, ₹10,600, ₹10,300, ₹20,900. Reserve distributed, bills payable as it is, creditors as it is. New liability created, outstanding claim for workers. X का लोन पेमेंट की होती हाँ X का लोन तो पे कर दिया बट अभी नहीं किया अच्छा दो साल के बाद पे किया है चार साल के बाद पे किया है फोर एनुअल इंस्टॉलमेंट्स है तो अभी तो एज इट इज शो होगा X लोन क्योंकि यह है 31 मार्च 15 और लोन अकाउंट इसके बाद से बनेगा
And while preparing assets, we have building 16,000 plus 10%, 17,600. Plant 24,000 minus 2,400, 21,600. Motor car 6,000 minus 600, 5,400. Stock 10,000 plus 10%, 11,000. Debtors as it is, no provision required. Cash at bank or cash and bank, as it is, no change. कोई पेमेंट तो की नहीं है. योर बैलेंस शीट शुड मैच विद द टोटल ऑफ $63,700 ऑन द लाइबिलिटी साइड. And 63,700 for the asset side. हमारा टॉपिक तो लोन अकाउंट है, वो तो अभी तक किया नहीं. अब बढ़ते हैं लोन पर. How much is loan amount? 28,000. 28,000 है लोन की अमाउंट. नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 4. नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आर 4, चार इंस्टॉलमेंट्स. रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम. और जो 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं वो हैं एनुअली, साल में एक बार. अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट 28,000 डिवाइडेड बाय 4 इज 7,000 ईच. आगे लिखे विद इंटरेस्ट, मतलब प्लस इंटरेस्ट. आपने इंटरेस्ट इंक्लूडेड सिर्फ तभी माना है जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा होगा इंक्लूडेड इंटरेस्ट, अदरवाइज इट इज ऑलवेज एक्सक्लूसिव इंटरेस्ट. सो 28,000 पे करना है 31 मार्च 15 को, मतलब 1 अप्रैल 15 से लोन अकाउंट बनना शुरू होगा, या 31 मार्च से बना सकते हैं बिकॉज लोन अकाउंट क्लोज हो चुका है, फिर ओपन हो चुका है, तो विल स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल. 7,777, 4 इंस्टॉलमेंट ब्याज के साथ, और आपने 4 साल का अकाउंट बनाने. आई एम सॉल्विंग दिस on this board, will take approximately 10 to 12 minutes. 10 से 12 मिनट लगेंगे इसको. And I am not explaining anything. I repeat, I am not explaining anything. I am just solving this loan account myself. You do it yourself. आप अपना लोन अकाउंट बनाइए, मैं अपना लोन अकाउंट बना रहा हूँ, और उसके बाद आप वेरीफाई करेंगे whether the loan account is right or not. Start making the loan account. X is X loan account. Speed up.
सो यू हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पे ध्यान दें। मेजॉरिटी ने सॉल्व कर लिया, जिन्होंने नहीं सॉल्व किया एक बार चेक कर लीजिए। रफ में इंस्टॉलमेंट की अमाउंट लिख लीजिए, आफ्टर द लेक्चर गेट्स ओवर आप कंप्लीट कर लेंगे। इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट आ रही है 9800, 9100, 8400 एंड 7700। आई रिपीट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ऑफ 98, सेकेंड इज 91, थर्ड इज 84 एंड द फोर्थ इज 77। हैव वी कंप्लीट आर लोन अकाउंट? अगर जो पार्टनर रिटायर होता है उसके पैसे बाद में दिए जाते हैं तो किस तरीके से लोन में पेमेंट की जाती है? वी हैव कंप्लीटेड दिस। वी आर लेफ्ट विद द लास्ट टॉपिक, दैट इज कैपिटल एडजस्टमेंट। द लास्ट टॉपिक इज कैपिटल एडजस्टमेंट और उसके हमारे पास कुछ 9 क्वेश्चंस हैं। तो कुछ 4 to 5 लेक्चर्स इस चैप्टर में अभी लगेंगे जाएंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।